साहब, मैं पिछली बारी भी कहा सी, मैं आज भी कहना है कि विजिलेंस जे 100 वारी भी बुलाऊगी तो मैं 100 वारी इत्थे फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि जेड़े बंदे पब्लिक सर्विस चुंदे है उन्हां नूं जिहड़ा अपना साफ ते शफाफ ते उन्हां दी जिहड़ी एक किस्म दी एक्सप्लेनेशन जरूर होनी चाहीदी है। पर प्रोसीक्यूशन तो मैं मनदा होनी चाहिए है, पर एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है परसीक्यूशन। परसीक्यूशन का मतलब है कि किसी ते तशद्दद करना, किसी ते कोई झूठा केस बना देना। मनप्रीत ते जिहड़ा केस बनया ये जाति ते सियासी रंजिश की बुनियाद पर यह केस बनया। और विजिलेंस महकमा जिहड़ा है ये सरकार जिहड़ी है ये अपनी सियासत जिहड़ी है चलाउण वास्ते इहनू यूज़ कर रही है, वरना तुसी पत्रकार हो और मेरे शहर दे हो। मैं 5 साल पंजाब च खजाने का मंत्री रहा, तो जिहड़े पंजाब सिविल सकत्रेत हुंदा है जिथे मंत्री बैठते हैं मंत्रियों वास्ते, तो मंत्रियों के जिहड़े गैसट आउंदे है उन्हां वास्ते चाह पानी बर्फी समोसा लस्सी पानी ये मुफ्त है। मैनू लगता है कि शायद इंडिया की हिस्ट्री च कोई ऐसा मंत्री ना होवे जिन्हें 5 साल च सरकार का एक चाह का कप ना आप पीता होवे ते ना किसी गैसट नू पियाया होवे। और मैनू ये भी याद है कि बठिंडे के लोग जिहड़े है कई बार इस गल ते गुस्सा भी करते कि यार असी मनप्रीत के दफ्तर गए तो दफ्तर च उन्हें चाह भी नहीं पियाई। जिहड़ा इंसान पंजाब दे एक चाह का भी रवादार नहीं वो पंजाब का किसी गलते नुकसान करूँगा। दरअसल सरकार जिहड़ी है ये आपदी खुद पसंदी दे विच इन्नी फसी हुई है कि इन्हां नूं अपने नक तो अगे दीदा नहीं, कल्ला गल्लां दा जमा खर्चा है। और मैं नसीहत एक भी करके जाऊँगा, कई बार बंदे दे हत्थ ते मुठ्ठी दे विच रेत होवे ना ते जिन्ना तुसी मुठ्ठी नूं कुट्टोगे, जिन्ना अपनी मुठ्ठी नूं दबाओगे उन्नी छेती रेत जिहड़ा उह हत्थ चों निकल जांदा है। पंजाब ने मौका पंजाब के लोगों ने मौका दिता है सरकार चलाने वास्ते, पंजाब नूं पैरां ते खड़ा करने वास्ते, ये मौका गवाना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। बस हो गया जी, थैंक यू सर।